शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गलत बात है। नहीं मतलब हमने तुमको तुम्हारा जॉब वापस दिलाया और तुमने पहले ही दिन अपना रंग दिखा दिया, पहले ही दिन चोरी कर दिया। और चोरी भी तो का किया, बच्चा का खिलौना। हाँ बल्ली सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है बे। चोरी की है तूने, तेरे मालिक ने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अबे नहीं समझ में आ रहा कुछ हमको। कैसे समझेंगे मिस्टर बुलबुल पांडे? निर्दोष की जबान समझने के लिए दिल में जज्बात होने चाहिए। तो आप क्या यहाँ पे जज्बात का ट्यूशन पढ़ाने आई हैं आप? नहीं, हम सिर्फ राधे को लेने आए। बैठ कर बात करें। पुष्पा जी आप यहाँ? वो व्रत है ना आज आपका, तो क्या, एक तो सुबह से कुछ खाया पिया तो है नहीं, ऊपर से इतनी चिलचिलाती धूप में आप बीमार हो गई। तो अभी आप जाइए, आराम कीजिए, यहाँ की ड्यूटी हम संभालते हैं। आप पता क्या कह रही हैं, हमें ड्यूटी से बेमानी करने के लिए कह रही हैं। हमारे ड्यूटी आज यहाँ लगे तो हम यहीं ड्यूटी निभाएंगे ना। आपका ड्यूटी थाने में है, आप थाने में जाके ड्यूटी निभाइए। हमको कुछ नहीं हुआ है पुष्पा जी, आप टेंशन मत लीजिए, जाइए। पता है हमको आप ठीक है, कुछ खाती नहीं है ना तो गुस्सा ना आपका सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। और हमें यह भी पता है जो चिड़चिड़ हो रही है ना वो क्यों हो रही है। भरोसा करना सीखिए सामने वाले पे और खास करके मैडम सर पे। गई है ना वो बुलबुल से बात करने के लिए, संभाल लेंगी सब कुछ, आ जाएगा राधे बाहर। बिना मतलब के जी जला रही है। बिना मतलब के जी नहीं जला रहे हैं हम जानते हैं उस बुलबुल पांडे को, मैडम सर के जज्बातों से मानने वाला नहीं है। लात का भूत है, लात से बनेगा। अरे रुको भाई, रुको। अरे उठाओ जल्दी उठाओ। देखिए आप और हम ये दोनों बहुत अच्छे से बात जानते हैं कि राधे निर्दोष है, किसी के बेमाने गुरूर की कीमत चुका रहा है। गलती क्या की उसने? जिस कंपनी में राधे काम करता है उसमें ये प्रावधान है कि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का ख्याल रखने के लिए 15 से 20 दिनों की पटर्निटी लीव की मांग कर सकता है। तो फिर क्या गलत मांगा उसने? ये तो उसका हक है। ऐसा क्या गलत हो गया कि उसके बॉस ने और आप सब ने मिलकर उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया और उसे अरेस्ट कर दिया? देखिए शत प्रतिशत आपका बंदा रॉन्ग है, बात में कोई तुक्की नहीं है। अरे पति कहाँ करेगा बेमतलब की छुट्टी लेकर, बताओ भाई। जी बिल्कुल सही है सर, हमने भी कहाँ छुट्टी ली थी, ये सब बेमतलब है। ये बेमतलब की छुट्टियाँ नहीं है सर, जो प्यार जो अपनापन और जो सुरक्षा की भावना एक पति अपनी पत्नी को दे सकता है ना वो कोई और नहीं दे सकता सर। ऐसे वक्त पे हर पत्नी चाहती है कि पति उसके साथ रहे, दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार करे, सबसे ज्यादा केयर करे। और शायद आप ये तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। आई एम सॉरी सर, लेकिन इसमें हंसने वाली क्या बात है? कांस्टेबल संतोष ये सब आप पे इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि मेरी बीवी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। तो फिर तो आपने भी छुट्टी की अर्जी दी होगी। इतने अच्छे इंसान नहीं है ये। 9वां महीना चल रहा है मैडम, लेकिन मजा ले मैंने एक दिन भी छुट्टी ली हो। अरे मैं तो डिलीवरी के बाद भी छुट्टी नहीं लूंगा। अरे क्यों ले छुट्टी, जब हम अपने काम में अपना वाइफ का मदद नहीं लेते तो उनको उनके काम में हमारा मदद का क्या जरूरत भला? जन्म देने की बात को आप काम कह रहे हैं मिस्टर पांडे? एक बार जरा अपनी वाइफ से पूछ लीजिए कि इस बारे में उनका क्या कहना है। अरे वाइफ से याद आया, फोन करना था जी उनको। क्या है भाई, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो ऐसी हालत में घर से बाहर निकले हो आप? जी कुछ नहीं, बस करवा चौथ की खरीदारी के लिए निकली थी इसलिए। मगर ऐसी हालत में व्रत क्यों रखा है आपने? होने वाले बच्चे पर असर पड़ेगा। नहीं मैडम, फ्रूट्स खा रही हूँ मैं। हाँ पर आपके पति नहीं है आपके साथ? वो काम पर गए हैं ना। काम ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी सेहत? इसमें उनकी कोई गलती नहीं है,
उनका काम ही कुछ ऐसा है ना कि हमेशा बिजी रहते हैं। ऐसा भी कौन सा काम है कि हमेशा ही बिजी रहते हैं, कभी तो टाइम मिलता होगा। जी वो पुलिस में है ना इसलिए। पुलिस में? क्या नाम है उनका? हेलो। अरे कुछ नहीं, बस बताना भूल गए कि जरूरी काम से हम दिल्ली निकल रहे हैं, अभी 2 घंटे में हमारा फ्लाइट है, समझे? लेट हो जाएगा आने में। जी क्या है ये सब? एक तो आप वैसे ही घर पर टाइम से नहीं आते और इस हाल में ऊपर से करवा चौथ का व्रत, इस हाल में भी भूखा रखेंगे क्या मुझे? अरे नहीं भाई, आ जाएंगे 12 बजे से पहले। अब रखो फोन, हम जरा बिजी है यहाँ। ये रख दीजिए। चलिए मैं चलती हूँ, घर जाने में देरी हो रही है। जी संभाल कर जाना, अपना ख्याल रखना। वाइफ तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है मैडम, लेकिन हमको तय करना होता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। इनके लिए तो वाइफ भी जरूरी नहीं है। अच्छे से समझ रहे हैं, आपको भी और आपकी सोच को भी। फिलहाल के लिए हम आपसी मतभेद में राधे को ना घसीटें तो बेहतर होगा। आप इसे छोड़ दीजिए, बदले में आप जो चाहेंगे हम करेंगे। पक्का? जबान देते हैं। मैडम मत कीजिए। बहुत ही होशियार समझ रहे ना आप महिला थाने वाले खुद को। हमरा लाइव बेइज्जती किया था कैमरा के सामने रिकॉर्डिंग करके। अब ये जो कागज पे लिखा है ना, वो आपको हमारा कैमरा के सामने बोलना है। मैडम सर आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर देर किस बात की? लेट्स स्टार्ट। मोबाइल निकालो और रिकॉर्डिंग करो। चलिए मैडम। हमें लगता है कि हमारे महिला पुलिस थाने का महिला स्टाफ थाने को चलाने में उतना सक्षम नहीं है जितने पुरुष थाने के SHO बुलबुल पांडे हैं। Yes. उनकी योग्यता, दक्षता और कर्मठता का कोई मुकाबला नहीं। हम महिला चाहें भी तो उनकी बराबरी नहीं कर सकती। सुन रहे हो? हमें बहुत कुछ सीखना है अभी बुलबुल जी से। दिली ख्वाहिश है कि किसी एक दिन वो हमारे थाने पर चार्ज लें और हम महिला पुलिस थाने को सिखा सकें कि एक थाना असलियत में कैसे चलाया जाता है। राधे राधे। ये वीडियो बाबू पक्का वायरल होगा 100%। हमें लगता है कि हमारे महिला पुलिस थाने का महिला स्टाफ थाने को चलाने में उतना सक्षम नहीं है जितने पुरुष थाने के SHO बुलबुल पांडे हैं। उनकी योग्यता, दक्षता और कर्मठता का कोई मुकाबला नहीं। हम महिला चाहें भी तो उनकी बराबरी नहीं कर सकती। ये क्या किया मैडम सर ने? ऐसे घटिया सोच वाले इंसान को तो गोली से उड़ा देना चाहिए था। ये छोड़ेंगे नहीं हम इस बुलबुल पांडे को, और इस बार कोई हमको रोकेगा नहीं। सुनिए तो। अरे मैडम सुनिए। मैडम सर ये आपने, हम जानते हैं हम क्या कहना चाहते हैं, पर हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम हमने राधे को उसके घर तो पहुंचा दिया। जी पुष्पा जी, एकदम गुस्से में चली गई करिश्मा मैडम। सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है, ऐसे समय तो एकदम पगला जाती है वो, और आपका वो बुलबुल वाला वीडियो देखकर अपना आपा खो बैठी है। पुष्पा जी कुछ भी करके रोकिए करिश्मा सिंह को, हम बस आ ही रहे, बस पहुंच रहे, जल्दी चलो। जी मान मदद करेंगी आप मेरी? मुझे बहुत देर से रिक्शा नहीं मिल रहा, आप मुझे घर तक छोड़ देंगी? माफ कीजिएगा, हम बहुत जल्दी में, हमें एक अकाउंट क्लोज करना है। आप ये है ना, आप इनके साथ जाइए, बहुत ही अनुभवी और समझदार महिला है। नहीं नहीं आप ना थोड़ी देर रुकिए ना। करिश्मा जी सुनिए। करिश्मा मैडम ये देखिए क्या हो गया।
ठीक तो है? अरे बाप रे, क्या करें हम? क्या क्या हुआ इन्हें? कुर्सी लेकर आ। इन्हें लेबर पेन शुरू हो गया है मैडम का, इन्हें जल्दी अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? इनके हस्बैंड ना पुलिस में, आप अपने हस्बैंड का नंबर बताइए जल्दी। हम बताइए। कोई फायदा नहीं, अब तक तो फ्लाइट के लिए निकल भी चुके होंगे। ऐसे कैसे आपको इस हालत में छोड़कर जाएंगे वो? नाम क्या है उनका? जी SHO बुलबुल पांडे। देखिए, जो कुछ भी हो फिलहाल ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें इनकी मदद करनी होगी। आप बताइए आपका हॉस्पिटल कौन सा, आपकी डॉक्टर कौन है, बताइए। बताइए। डॉक्टर मीना, कमल नर्सिंग होम, बेगम रोड। मैडम सर, ये तो काफी दूर है, 30-40 मिनट लग जाएंगे, और इनकी हालत देखिए बहुत खराब हो रही है, जल्दी लेके जाना पड़ेगा इन्हें। संतोष, गाड़ी निकालो जल्दी। आप उठिए, आराम से उठिए, आराम से जल्दी बैरिकेड हटाओ। मैडम सर, हमारे पास बाइक है, हम जाते हैं, वहाँ पे तैयारी करके रखते हैं हॉस्पिटल में, आप लोग पहुँच। ठीक है, जाइए चलिए। देखिए, मैडम सर ये बेहोश होने लगी है, हमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। संतोष, मैडम से यहाँ पे बहुत ट्रैफिक में, शॉर्टकट से लेती हूँ। ओके, चलो। मैडम सर, बुलबुल पांडे दीजिए। हेलो, बुलबुल पांडे जी, SHO हसीना मलिक, ये फोन आपके पास क्या कर रहा है? मेरी वाइफ का है। हमारे साथ ही है। मतलब तुमने हमारी वाइफ को किडनैप कर लिया? देखिए, आप हमारी बात सुनिए, हम बहुत ही गलत किया हसीना मलिक, बहुत ही गलत किया तुमने, हमसे बदला लेने के लिए हमारी वाइफ को किडनैप कर लिया तुमने। हो गया आपका, अब हम बोले। आपकी बीवी मार्केट में अकेली थी और उनको लेबर पेन शुरू हो गई, इसलिए हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, कमल नर्सिंग होम। हम कैसे विश्वास कर ले, बात कराइए हमारी वाइफ से। हमारी आपके पति है लाइन पर, बात कीजिए ना। ये बात नहीं कर पाएंगे मैडम। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, आपकी बीवी ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी है, आप प्लीज आ जाइए, वो बात नहीं कर पा रही। तो देखिए, आप झूठ बोल रही है, रत्ती भर भी भरोसा नहीं है हमें आप लोगों पर। अगर हमारी वाइफ को कुछ हुआ ना तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगा तुमको हसीना मलिक। हेलो हसीना मलिक जी, बात नहीं। हेलो जी, नहीं अभी नहीं आ सकते, बहुत इमरजेंसी में हम। आज भी लेट, आज तो टाइम पर आ जाओ यार, बहुत भूख लगी है। हमको नहीं लगा है, अब आपको किसने कहा था व्रत रखने के लिए? अब आप हीरो बने हैं तो अच्छे तरीके से हीरो बनिए, अब वेट कीजिए हमारा, हम आते हैं, ठीक है? नहीं सही है, पर सच बताए तुमको, वो करवा चौथ का लाल साड़ी वाला गेटअप में देखने को मन बहुत मचला रहा था, इसीलिए। पति देव, आप भी मतलब हमारे यहाँ जान सूखा जा रहा है भूख से, और आपको रोमांस सोच रहा है अभी भी। हम कहे ना, हम इमरजेंसी में, हम करते हैं, हम आते हैं, आप रुकिए। वो का है डॉक्टर मीना। एक मिनट मैम। डॉक्टर मीना कहाँ है, काम पे ध्यान दो। हुआ तो नहीं है? नहीं है मतलब कहाँ गई, कहाँ पे है? घर, वो आज करवा चौथ का व्रत था ना, इसीलिए वो जल्दी चली गई। डॉक्टर मीना को फोन लगाओ, इमरजेंसी है, डिलीवरी करवाना है, यहाँ पे जल्दी है, जल्दी फोन लगाओ। सॉरी मैम, उन्होंने डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है, इसीलिए उनका नंबर भी बंद है। एड्रेस दो उनका, जल्दी लिखो। हाँ बस पहुँचने ही वाले हैं हम। रहने दीजिए मैडम से, मत उठाइए। हाँ मैडम सर, मत उठाइए फोन, एक तो हम वैसे भी इतने परेशान हैं, वो कुछ समझेगा नहीं, चार बातें आपको ही सुना देगा। सही कह रही पुष्पा जी, हम उनकी मदद करें, थैंक्स बोलने के बजाय हमें ही थ्रेट दे रहे। तो भगवान ना करे अगर इनके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई ना, तो इस सब के लिए हमें ही जिम्मेदार ठहराएगा। कुछ भी करके हमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना पड़ेगा मैडम सर। लंबी सांसें लो, पहुंचने वाले हैं, बहुत पहुंचने वाले हैं।
नहीं कुछ नहीं, हाँ लंबी लंबी सांसें लो, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर मीना, आप डॉक्टर मीना जी? मैं ही हूँ डॉक्टर मीना जी। आपको हमारे साथ चलना होगा, इमरजेंसी है, अब हम लेने आए हैं आपको। आप हमें कहाँ ले जाने आई है? हॉस्पिटल चलना होगा, डिलीवरी है, हम आपका अगर हो गया हो तो प्लीज चलिए हमारे साथ। मैं नहीं आ सकती, आप देख रही हैं करवा चौथ का व्रत रखा है, मैं अभी घर पे आई हूँ। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के साथ बात कर लूंगी। देखिए हम सब समझ रहे हैं, लेकिन पेशेंट आपका है, इतने टाइम से मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहा है आपके, तो अगर आप वहाँ होंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप पे भरोसा करती हूँ, अगर आप होंगी ना तो थोड़ा इमोशनली सिक्योर फील करेंगी। और क्या है, जहाँ तक बात रही हॉस्पिटल की, तो वहीं से हमारे यहाँ पता किया है, कोई और डॉक्टर नहीं है, इसलिए आपको हम यहाँ पर लेने आए हैं। और जहाँ तक करवा चौथ का बात है तो वो तो हम भी रखे हैं, लेकिन देखिए आपके सामने खड़े हैं, अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फ़र्ज़, जो हम निभा रहे हैं, और अच्छा रहेगा अगर आप भी निभाएंगे तो, क्योंकि किसी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या आपकी कोई नज़दीकी रिश्तेदार है क्या? जी नहीं, हम उनका नाम भी नहीं जानते। ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए। सुनो कुछ खा तो लो, सुबह से तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है। आपके हाथ से पानी तो पी लिया ना हमने, हम रास्ते में कुछ खा लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल खा लेंगे रास्ते में, आप चलिए, आप चलिए, मैं चेंज करके आती हूँ। जी जी आप जल्दी आइए। हाँ जी करिश्मा सिंह। हाँ मैडम सर, हम डॉक्टर को लेके हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। आप कहाँ पहुँची? हम लोग यहीं रास्ते में हैं, अभी तक गाड़ी खराब हो गई इसलिए हम लोग अटक गए हैं, सुनसान जगह पर है, दूर दूर तक कुछ नजर भी नहीं आ रहा, हमें तो समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। हम एम्बुलेंस भेजें मैडम सर? उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो जल्दी करो। बस कोशिश कर रही हूँ पुष्पा जी। करिश्मा सिंह, पल्लवी जी की तकलीफ बढ़ती जा रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो कभी भी बेहोश हो सकती हैं। तो फिर क्या करें मैडम सर? आप एक बात बताइए, आप है कहाँ पे अभी? हम लोग हैं यहाँ मुंशी पुलिया के पास। हमें समझ नहीं आ रहा है पल्लवी जी की हालत खराब होती जा रही है, कहाँ लेकर जाए उन्हें। हाँ पतिदेव, अब व्रत खोले। हाँ बोलिए बुलबुल पांडे जी। देखिए देखिए, हम वहाँ पहुँचने का पूरा कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन हमें आने में थोड़ा सा देर लग जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं, हमारा पत्नी को कुछ करिएगा मत। अरे उसका का लेना देना आपका हमारा मत भेद से। क्या सबको अपनी तरह समझ लिए हो आप? गर्भवती महिला को सांप भी फन नहीं मारता, तो हम तो फिर भी एक महिला है। पल्लवी का है? पल्लवी हमारा, बात कराओ उससे। देखिए अभी बात नहीं करवा सकते, अभी वो डॉक्टर के साथ है, तो थोड़ी देर में बात करवाते हैं आपकी। कौन से हॉस्पिटल में? हम अभी आते हैं। तुम मिस्टर बुलबुल पांडे, आपकी बीवी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल में नहीं तो कहाँ है? यहाँ है हमारे साथ ढाबे पर। ढाबे में? मजाक कर रहे हो मेरे साथ, बेवकूफ बना रहे हो मेरा। देखिए आप, मैडम सर क्या क्या सब ठीक? लड़की हुई है। अरे मिस्टर बुलबुल पांडे, आप बेवकूफ नहीं, बाप बने। कभी सोचा नहीं था कि हम आपको एक खुशखबर देंगे, आपके घर बेटी हुई है। चलिए मिलवाते हैं आपको आपकी बेटी से। पल्लवी हमको माफ कर दो, हमें वहाँ होना चाहिए था तुम्हारे साथ। अच्छे पति तो हम कभी थे ही नहीं, अच्छे पिता भी नहीं बन पाए। हमसे बदनसीब बाप और कौन होगा पल्लवी? ऐसे क्यों कहते हैं जी? वादा करते हैं पल्लवी, हम तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा, तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारा भी और हमारी नन्ही परी का। आज ही हम पैटर्निटी लीव के लिए अप्लाई कर देंगे। हसीना मैडम जी, हम आपसे लाइव वीडियो पे कुछ बुलवाए थे ना, आज हम आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। और विश्वास कीजिए हमारा, ये वीडियो आपके वीडियो से ज्यादा वायरल होकर देख लीजिएगा।
मैं हमेशा मानता था कि औरतों का काम घर और बच्चे संभालना होता और मर्दों का काम घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाना। लेकिन मैं गलत था। मर्दों को संवेदनशील होने की जरूरत है, ना सिर्फ अपने काम को लेकर बल्कि अपने रिश्तों को लेकर भी। तभी वो समझ पाएगा औरत के गर्भवती होने का मर्म और पैटर्निटी लीव का सही महत्व, समझ पाएगा कि औरत को गर्भावस्था में पति के साथ रहने का कितना आवश्यकता होता है, कितना जरूरी होता है। हमने राधे किशन जैसे मासूम इंसान के साथ नाइंसाफी की, पर हम वादा करते हैं हम राधे किशन को उसका जॉब वापस दिलाएंगे। ना ही सिर्फ जॉब वापस दिलाएंगे बल्कि पूरा ड्यूज सैलरी के साथ दिलाएंगे, पूरा मान सम्मान के साथ दिलाएंगे। हसीना मैडम, करिश्मा मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको दिल से सलाम। जय हिंद। क्या हुआ संतोष, बताओ हमें। होली से बहुत डर लगता है मैडम सर। हमारे होते हुए होली से कैसा डर संतोष जी? सॉरी। आज से कुछ साल पहले होली के दिन अपने गांव में थी मैं। मोहल्ले के बाहर कुछ लड़कों ने घेर लिया था मुझे मैडम सर। कहते रहे कि बुरा ना मानो होली है। बहुत रिक्वेस्ट की मैंने उनसे मैडम सर, बहुत बोला कि मत लगाओ रंग, लेकिन नहीं सुना उन्होंने। जिस तरह से वो मेरे करीब आए, जबरदस्ती मुझे रंग लगाया और जैसे छुआ उन्होंने मुझे, जिन नजरों से उन्होंने मुझे देखा, तब से मुझे होली से चिढ़ होने लगी मैडम सर। इसीलिए हर साल होली के दिन छुट्टी लेती हूँ मैं और घर पर बंद रहती हूँ। ये भी कोई तरीका हुआ त्योहार मनाने का? मस्ती मजाक में लोगों की जान भी जा सकती है, पता नहीं कब समझेंगे ये सब कुछ। इसी तरीके लोगों को सीधा करने के लिए हमने ये वर्दी पहनी है पुष्पा जी। संतोष शर्मा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हम अच्छे से समझते हैं, लेकिन तुम्हें डर से नहीं हिम्मत से काम लेना होगा। सॉरी मैडम सर, ये पॉसिबल नहीं है। संतोष शर्मा, ये पॉसिबल है क्योंकि उस वक्त आप छोटी थी, लेकिन अब आप पुलिस हैं। आपको अपनी ताकत समझनी होगी, अपने डर को हराना होगा। आपको सभी लड़कियों के लिए उदाहरण बनना है और सपोर्ट के लिए हम साथ में करिश्मा सिंह को भेजेंगे। करिश्मा मैडम, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मैं आपको इशारा कर दूंगी। नहीं नहीं, हड़बड़ी नहीं करना है। कुछ गड़बड़ हुआ तो हमको बताना, हम आएंगे वहाँ। हाँ ओके। ठोके? किसको ठोके? ओके ओके मैडम ओके। चिल्ला काय रही हो, ठीक है ना? दीदी आप आगे तो नहीं जा रही हैं? हाँ उसी तरफ जा रही हूँ। क्यों? अरे मत जाइए मैडम जी, आगे बहुत बदमाश लड़के खड़े हैं। देखिए उन्होंने हमें जबरदस्ती पकड़ लिया और रंग लगा दिया। मैडम आगे वो कुछ लड़के खड़े हैं। का? भड़के पड़े? वो भड़के नहीं, वो लड़के खड़े हैं मैडम, जिन्होंने इन तीनों लड़कियों को जबरदस्ती रंग लगाया, वो बदमाश आगे खड़े हैं। हाँ हाँ। का है वो लड़के बताओ हमको? वो लड़के आगे खड़े हैं। चलो चलो लेके चलो हमको। आइए मैडम। आइए मैडम जी। कहाँ हैं लड़के? मैडम जी आपके सामने ही तो हैं। टोपा हो। ये
हसीना जी, कितनी बार हमने आपसे कहना चाहा, लेकिन हमेशा विफल रहे। लेकिन इस बार नहीं, इस बार जरूर कहेंगे। अगर आपकी मोहब्बत हमारे साथ है तो हमारे रास्ते के फूल भी कांटे बन जाएंगे। हसीना जी, हम आपके समक्ष दो प्रस्ताव रखते हैं। पहले में आपकी अम्मी की खुशी है और दूसरे में आपकी। आपको स्वयं यह निर्णय लेना है कि कौन सा प्रस्ताव सबके लिए उपयुक्त है। क्या कर रहे हैं? हसीना मलिक है, कोई अपराधी थोड़ी है जो हमारे शब्द जाल में फंस जाएगी। जिस बात से बोलेंगे हसीना जी, जिस दिन से हमने आपको देखा है उस दिन से ये बहुत दिनों से आपसे कहने वाले थे। सर, अब आप घुटनों पर क्यों है सर? वो हमारे घुटने नीचे गिर गए थे तो क्या? अब मेरा मतलब है, हमारा मतलब है, पुष्प नीचे गिर गए थे तो हम उन्हें उठा रहे थे, लेकिन आप इतनी शीघ्र यहाँ कैसे आ गई? जय हिंद सर। जय हिंद। ट्रैफिक नहीं था ना सर, होली की छुट्टियां चल रही है तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, इसलिए हम इतनी जल्दी पहुंच गए। वैसे आपके केबिन में ये फूल क्या कर रहे हैं सर? आज हमें भी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिली, रास्ता पूरा खाली था, हमें रास्ते में ये पुष्प दिखाई दिए तो हमने खरीद लिए। आपको पसंद है तो आप रख लीजिए। सर प्लीज इन्हें हमसे दूर करिए प्लीज। क्यों हसीना जी, आपको ये पुष्प पसंद नहीं आए? नहीं नहीं पसंद है, लेकिन अच्छी हमें फूलों की एलर्जी है। किंतु हसीना जी, आपको ये पुष्प पसंद है? आपसे किसने कह दिया? वो फेस, हमारा मतलब है कि हमें लगा कि पुष्प देखकर आपके फेस पर स्माइल आएगी। सॉरी सर, स्माइल तो नहीं आई, पर हमें इन फूलों से छींक बहुत आती है। पर हसीना जी, हमें पता नहीं था। वैसे आप किस महत्वपूर्ण कार्य हेतु यहाँ आई हैं? परसों महिला पुलिस थाने में हम होली खेलने वाले हैं, छोटा सा इवेंट करने वाले हैं। बाकी सब चाहते हैं कि आप भी आए, इसलिए हम आपको इनवाइट करने आए हैं। आप नहीं चाहती? हम भी चाहते हैं सर, अगर आप आएंगे तो हम सबको खुशी होगी। हम अवश्य आएंगे। धन्यवाद। हमें जाना चाहिए, वो एलर्जी बढ़ जाएगी। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। ये बहुत ही कठिन काम है, जब भी वो हमारे सामने आती हैं तो बात बिगड़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, आज का दिन हमारा नहीं था, लेकिन परसों अवश्य हमारा दिन होगा और उस दिन हम कोई गड़बड़ होने नहीं देंगे।
ये रंग हटा के नहीं पुष्पा जी, बताइए हमको। उतर जाएगा, उतर जाएगा। आज तक अमीनाबाद में कोई पैदा नहीं हुआ माई का लाल जो जो हमसे पंगा ले सके, और ये बदमाश, इन बदमाशों ने सबके सामने हमको रंग लगाया, हमारे साथ ऐसा मजाक किया। नहीं छोड़ेंगे, इनकी जिंदगी से हमने रंग नहीं उड़ा दिया ना पुष्पा जी, तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह नहीं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। करिश्मा सिंह, ये क्या हुआ आपके साथ, किसने किया ये? जिन लड़कों ने इन पर पानी के गुब्बारे फेंके थे, उन्हीं लड़कों ने इनके साथ जबरदस्ती की और बदतमीजी से रंग लगाया। क्या? बस खुद में कितनी हिम्मत है दिखाने के लिए ये सब कर दिया। इनकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही खुल गई है, करिश्मा सिंह के साथ बदतमीजी की। संतोष शर्मा का संतोष जी, आप बाहर आइए, आपको कुछ नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप थाने में हो, सेफ हो। नहीं, जहाँ करिश्मा मैडम जैसी ऑफिसर सेफ नहीं है, वहाँ कोई सेफ नहीं हो सकता। संतोष जी, वो चाबी दे दो। नंद्र देखिए ना, वो लड़का लोग के कारण संतोष जी कितना डरी हुई है। संतोष मैडम सर, आपने कहा था हमें कुछ नहीं होगा वहां। ये देखिए उन्होंने क्या किया। चूरन लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं ना, इन्होंने अभी तक हमारा भौकाल नहीं देखा, इनको घसीट तो हम थाना में लेकर नहीं आए ना, तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह है। करिश्मा सिंह रुकिए। नहीं मैडम सर, देखिए हमको वैसे भी ढंग से सुनाई नहीं आ रहा है, और हम ये सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है आप हमें रोकेंगे। शांत हो जाइए, हम आपको रोक नहीं रहे, अब हम इन्हें सबक सिखाएंगे। जीते, चलो। संतो, आजा संतो, हम सब हैं, आजा। बदनाम जहर दे मुझे। क्या? भांग भांग पिया ये। बदनाम? हाँ। बदनाम चाय पिलाओ। अम्मा पिलाओगे आज? हाँ हाँ, ला रहे ला रहे ला रहे। अरे भाई, मैया की सासु, तुम्हारा कान बंद हो गया तो तुम्हारा आंख बंद हो गया क्या? ये क्या टोपा आदमी है कबे? तुम सॉरी बोलने की जगह हमको थैंक यू बोल रहे हो। पुष्पा जी, इनको सुनाई दे रहा है? हाँ। अरे देखिए मैडम, थैंक यू बोलने की वजह समझते ना? हाँ। जब हम ना रहे थे तो हमारे कान में जो पानी घुस गया था, और पानी घुसने के बाद जो है हमको सुनाई देना बंद हो गया, और जैसे मैडम आपने जो हमको थप्पड़ मारा ना, खुदा कसम हमको सब सुनाई आ रहा है।
क्या कहा इसने? नहीं पुष्पा जी, इनकी दुकान वापस बंद। आपको सच में सुनाई नहीं दे रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना तुमको डायन? हाँ नहीं, हमको समझाइए का बोल रहा है ये। जब सुन पाती थी तुम चुड़ैल, तब तो कुछ सुनी नहीं हमारी बात। अब जब सुन नहीं पा रही हो तो हमसे बात सुननी है तुमको। हाँ करम जली। पुष्पा जी आराम से, दुकान कभी भी खुल सकती है। हाँ। नहीं समझी? नहीं 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 नहीं, हमें समझाइए, हमें समझाइए। बिल्लू समझा। मैं कैसे समझाऊंगी, मुझे वापस भरतनाट्यम करना पड़ेगा। बिल्ले ओके। का बात कर रहे हो बिल्ले? घंटा आप लगाया तो सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, बदनाम लगाओ घंटा। पुष्पा जी इनके दिमाग में पानी चला गया है। बताओ। अरे मैडम अच्छा हो गया हमको याद आ गया, हमको चाय देने जाना है। बिल्ले कंटाप लगाओ। मैडम मेरा हाथ तो यहाँ तक ही पहुंच रहा है, तो थप्पड़ तो इसको पड़ेगा। इकबाल कंटाप लगाओ, हमको जोर से कंटाप लगाओ। मैडम हमारा हाथ भी देखिए यहाँ तक कहाँ तक नहीं जा रहा है, देखो यहाँ तक जाएगा। मैं भाग। पुष्पा जी हमें कंटाप लगाइए, हमारा कान ठीक कीजिए। हम नहीं 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 नहीं, इसमें हम हमें मत घसीटिएगा। चौका लगा दीजिए, ब्रश निकाल दीजिए सारी। पक्का पक्का पक्का। हाँ 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 लगाइए लगाइए लगाइए। आइए हटो। हाँ मैदान। हाँ लगाओ। क्या धूल साफ कर रही है हमारे चेहरे से? नहीं जोर से लगाइए, हमारा कान ठीक कीजिए पुष्पा जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं हमसे नहीं होगा। हाँ माँ ऐसे कैसे मारिए ना, जोर से मारिए। माँ क्या कर रही हो, सोचो सोचो। ये आपकी बहू नहीं डायन है, चुड़ैल है ये। आप ही बात करती थी ना, आपकी हर बात को काटती है ये। माँ याद करो, वो जला हुआ खाना, वो जला हुआ पराठा, वो जली हुई दाल, आपके लल्ले को छीन लिया है इस डायन ने। आपके लल्ले को जुर्म का गुलाम बना दिया है। करिश्मा सिंह बहुत जोर से लगी क्या? नहीं 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 बिल्ले। धन्यवाद पुष्पा जी। मुबारक हो। सुना इतिहास गवाह है, पहली दफा ऐसा हुआ है सास ने बहू को कंटाप लगाया और बहू ने धन्यवाद किया। इस तरह ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। सीधा नजर रखो, जितने भी मीडियम हाइट के 20-22 साल के लड़के दिखे ना उन्हें पकड़कर सीधा जीप में बैठाओ। ठीक है मैडम। अभी होली मन रहा है पूरा। क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो बैठो जीप में, थाने ले जाना है, रूटीन इंक्वायरी है, फिर छोड़ देंगे। चलो चलो हो गया, चलो हो गया हो गया। चलो बाबू, बहुत अच्छा से होली मनाया जा रहा है ना। आइए आइए थाने में मिस्टर मित्र जाना। आइए मुंह का ताक रहे हो, रूटीन इंक्वायरी है, चलो ना यार। आओ इधर आओ, चलो 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 हो गया। अभी पूछा है ना सबसे, उसका जवाब अभी क्या भी चाहिए हमको, समझ के तुम? यहीं अरेस्ट करेंगे, यहीं जेल में डाल देंगे। मैडम जी इतना कानून तो हम लोग भी जानते हैं, होली खेलना कोई जुर्म है क्या? होली खेलना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन किसी की इजाजत के बिना उसे कारण लगाना जुर्म है, इसलिए ज्यादा होशियार मत बनो। मैडम जी गाड़ी चलाएं तो एक्सीडेंट भी होगा,
खाना बनाने जाएंगे तो हाथ भी जलेगा, और होली के दिन बाहर जाएंगे तो थोड़ा बहुत रंग तो लग ही जाएगा ना। बड़े बड़े त्योहारों में से छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं ना। मैडम से ये हम कह रहे हैं, ये इसी का ही कांड है, यही है इनका नेता, हम बता रहे हैं आपको। पर मैडम जी आपके पास सबूत क्या है? मैडम सर, जिसने हमें रंग लगाया था ना, उसने स्कल वाला पेंडेंट पहना था, प्लीज चेक कीजिए। पेंडेंट दिखाओ। दिखाओ, जल्दी दिखाओ। क्या कर रही थी मैडम सर? ये केस हमारा है। हम जानते हैं कि वो आपका केस है करिश्मा सिंह, लेकिन जिस आदमी का पीछा करते करते हम वहाँ पहुँचे थे, हमें क्या पता कि वो आपका मिशन स्पॉट निकलेगा। तो आप फोन तो उठा सकती थी ना, हमने कितनी बार आपको फोन किया था। उस वक्त फोन उठाने के हालात नहीं थे। हालात नहीं थे या फिर आप उठाना नहीं चाहती थी? What nonsense! क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह कि हम जानबूझकर वहां आपका केस खराब करने के लिए पहुंचे थे? अगर ऐसा कुछ भी है ना आपके दिमाग में तो प्लीज उसे साफ कर लीजिए। हमारी मयार इतनी भी हल्की नहीं कि हमें इस तरह की ओछी हरकत करनी पड़े। हमारा वहां पहुंचना महज एक इत्तफाक था और कुछ नहीं। हसीना मैडम एकदम सही कह रही है, हमको तो पहले से ही लग रहा था जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। आग फड़क रही थी ना हमारी। हमारा गलती है कि हमने आपको वो फड़कता हुआ आग का बात नहीं सुना और ये केस ड्रॉप नहीं किया। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हम बस इतना ही कह रहे हैं कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ ना, सब संजोग से हुआ। आपके और हमारे मानने से क्या होता है पुष्पा जी? डीएसपी सर को हम कैसे समझाएंगे ये इत्तेफाक का गढ़? उनको तो यही लगेगा ना कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा गलती किया हम पे ट्रस्ट करके। उन्हें तो यही लगेगा ना कि हम काबिल नहीं है केस सॉल्व करने के लिए। उनको यही लगेगा कि उन्होंने गलती किया हमको केस देकर। देखिए करिश्मा सिंह, आपका गुस्सा जायज है, हम समझते हैं, लेकिन फिलहाल शांत हो जाइए। इस सब में आपकी कोई गलती नहीं थी। तजुर्बा कहता है हमारा कि मिशन में कभी भी कोशिश मायने नहीं रखती, रिजल्ट रखता है। मूसा आपके हाथ से निकल गया, ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसे ढूंढने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ये हमारा वादा है। ऑफ कोर्स अगर आप चाहें तो। नहीं नहीं मैडम सर, बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा होगा कि आप थाना संभालिए और मूसा का क्या करना है वो हम देख लेंगे। मेहरबानी होगा अगर आप इस केस से थोड़ा दूरी बनाए रखेंगी और हमें शांतिपूर्वक अपना केस सॉल्व करने देंगी। मैडम सर, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। कुछ भी नहीं मैडम, तो ऐसे ही ऐसे ही क्यों? वो इसका सिक्का गिरा, वो ढूंढ रहे हैं। सिक्का गिरा? हाँ, सिक्का गिरा ना। हाँ। तो काम पे ध्यान दो चीता। हाँ, पैर उठाइए। हाँ मैडम, उठाइए। नहीं नाम शेरा। अम्मा, नाम रखने का भी कोई कायदा होता है कि नहीं? नाम है शेरा और आवाज है बुलबुल जैसी। हाँ भाई साहब, आप इस पृथ्वी पर आप किस नाम से जाने जाते हैं? विक्टर, विक्टर नाम है मेरा। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है मैडम। ये बेकरी शॉप है ना, वो अपुन की है। अपुन इनोसेंट है कसम से। अगर इनोसेंट हो तो इस तरह की इल्लीगल जगह पर क्या कर रहे थे? बोले तो अगर आप इतने ही मासूम हैं तो ऐसी जगह पे क्या कर रहे थे आप? बाप? किसका बाप? बाप नहीं, आप। आप क्या कर रहे थे जहाँ से हम लेकर आए आपको? रात को? मैडम रात को क्यों छोड़ने का मैडम, अभी छोड़ने का ना प्लीज। रात को नहीं, आपको। आपको जहाँ से लाए थे वहाँ क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहा था? बुकी हूँ। बुकी क्या करता है? बैटिंग करवाता है, वही तो करवा रहा था मैं। वो बैटिंग में अपन बहुत सारा पैसा हार गया था, वही पैसा वापस करने को गया था मैडम। अकाउंटेंट हूँ मैडम, दरअसल उस दिन मैच में जो पैसे जीते थे उसका हिसाब करने गया था। मैडम अभी क्या है ना, थोड़ा बहुत ऊपर का एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए इधर उधर बेटिंग शेटिंग कर ली तो क्या हो गया? ये कोई क्राइम नहीं है मैडम। क्राइम ही है,
बैटिंग करना गैर कानूनी है, मतलब इल्लीगल। अरे लीगल है तो छोड़ देने का ना मैडम, क्यों बिठा के रख लेना यहाँ पे। इल्लीगल गैर कानूनी है बैटिंग करना। करना? अरे तो बोलने का ना मैडम, ये टैक्स कब भरने का है? अपुन जैसे सारे टैक्स भरता है ना, ये बीच भर देगा, सिंपल। अब भरना नहीं भाई साहब, इल्लीगल है बैटिंग करना। एक मिनट विक्टर। हाँ मैडम अभी बोलने का। हाँ क्या बोल रहे थे आप? ये मूसा कहाँ है? मूसा तो हवा है, नहीं पकड़ पाएंगे आप मूसा को। चल हवा है मूसा, आंखों का धोखा है मूसा, वो सामने है फिर भी नहीं है, वो हर जगह है, यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, देख सको तो देख लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। अभी बहुत सारी कंट्री लोग में इस बेटिंग को लीगल कर दिया है मैडम। हम जानते हैं, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि एक खेल से न जाने कितने बड़े बड़े अपराध जुड़े हुए हैं? और हर साल देश में 3 लाख करोड़ की इल्लीगल बैटिंग होती है, जो देश के डिफेंस बजट जितना ही होता है। और ये है काला धन, अनअकाउंटेड ब्लैक मनी। और जानते हैं इस पैसे का मेजर हिस्सा किस चीज में इस्तेमाल होता है? ड्रग्स, टेररिज्म, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे गंभीर अपराधों में। ये क्या बोल रही मैडम आप? मिस्टर विक्टर, शेरा के घर से बहुत सी इल्लीगल एक्टिविटीज ऑपरेट होती है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है मूसा जैसे खतरनाक क्रिमिनल का वहां पाया जाना, इसलिए वहां पर पुलिस ने रेड डाली थी। अपुन ये टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स, ये सब से अपुन का कोई लेना देना नहीं है मैडम। मैडम, I'm innocent, trust me। बहुत बढ़िया। मुस्कुरा कह रहे, मजाक चल रहा है यहाँ पे, चोक मार रहे हैं। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। दरअसल कहा है कि आपको देख के हमें किसी की याद आ गई। किसका याद आ गया? देखिए मैडम, माइंड मत कीजिएगा, हम बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं। और हम सुन रहे हैं, बताइए। प्रियंका चोपड़ा है ना एक्ट्रेस, वो हमारी फेवरेट है। आप बिल्कुल साइड प्रोफाइल से बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा लगती हैं, बिल्कुल डिट्टो। बहुत ही कमाल का बात है, लगता है बहुत पुराने पापी हो तुम, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे ना इस सिचुएशन में भी घबराहट नजर नहीं आ रहा है हमको, बिल्कुल भी टेंशन नजर नहीं आ रहा है हमको। तुमको ऑन ड्यूटी वर्दी में महिला प्रियंका चोपड़ा नजर आ रही है, ऐसा बेफिक्री ना आदि मुजरिम का ही लगता है। देखते तुम कौन सा मुजरिम हो। उस वक्त मूसा जब पीछे के दरवाजे से भागा था तो तुम वहां बैठे थे ना, इसका मतलब तुमको तो पूरा जानकारी होगा कि वहाँ क्या चल रहा था। क्या फर्क पड़ता है मैडम, बताऊंगा तो फिर भी कुछ नहीं। आपको पूछना आपका काम है और ना बताना मेरा काम है। बेटा तुमको आइडिया भी नहीं है कि तुम कहाँ उलझ रहे हो, यहाँ आकर तकलीफ का भी ना डेड एंड हो जाता है। तुम बोलोगे, तुम सब बोलोगे, अभी ये बोलोगे और बाद में बोलोगे दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। चीते रेडी? अरे बस मैडम, थोड़ा देर और। बहुत बढ़िया, चलो आज सबको सैर करा कर लाते हैं। बिल्ला। हाँ मैडम। मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है। मैडम जी, सब लोग आज ये नजारा देखेंगे, एक बैल दो गधों को खींच रहा है। मैडम, ये सब सिचुएशन देख के ना मुझे ताजा शेर आया, चिपू। अरे मैडम रहने दीजिए, इसका शेर सुन के बैल अभी के अभी भाग जाएगा। व्हाट अ जोक। मां चिपू ना। तो अर्ज किया है इरशाद, एक बैल निकालेगा दो गधों का तेल, जब तक मुंह नहीं खोलोगे तब तक जारी रहेगा ये खेल। वाह, भालू ने शेर सुनाया। बिल्ले अगर थोड़ी सी मेहनत और करता ना तो इससे वाहियात और घटिया शेर बन सकता था। चुप करो, टोपा कहीं के सब की सब। और सुनो तुम, तुम्हारा ये घटिया भैया शेर सुन के ना ये एड्रेस नहीं बताएंगे, ऊपर को निकल जाएंगे, समझे तुम? चलो चले। क्या है ये सब करिश्मा मैडम? हम सैर के लिए जा रहे हैं, बैल से इन दोनों को बांधा है, आप चाहे तो आपको बैल पे बिठा सकते हैं, चलिए सैर पे। पर मैडम, अगर मैडम सर को पता चलेगा कि आप ये कर रही हैं तो ये हमारा केस है, हमें पूरा हक है कि हम इसे अपने तरीका से सलटें। चलो चीते बिल्लू। हाँ। तुम लोग गाड़ी में। जी मैडम। ओके।
बच्चे को, बैठ जा, चाय पानी जो चाहिए सब दे देना। हाँ भैया, पानी पियोगे? पियोगे? पर पियोगे तो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि मूसा कहाँ है। नहीं बताओगे? छोड़ो। चाय, मैडम जी आपने चाय मंगवाई थी और मैं चाय लेकर आ गया, वो भी स्पेशल वाली। चाय पीजिए। अबे चपड़ दो जो अदरक वाली है। मन हुआ अभी भी बताने का कि मूसा कहाँ है? बताओगे? अभी भी मूड नहीं हो रहा है। हमको क्या है, हम पहले पानी पी लें। बताना है? अभी भी नहीं है तो पानी भी नहीं। चलो 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 चलो, चलो। सवारी चालू रखे या फिर बताओगे मूसा के बारे में? अब कहाँ है मूसा? हमें नहीं पता मूसा कहाँ है। नहीं सुधरोगे ना, तुम दोनों कसम खा रखी है चीते। बांधो उनको बेल से दुकान। मैडम रुकिए रुकिए, हमारा यकीन कीजिए, हमें वाकई में नहीं पता कि मूसा भाई कहाँ है। लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि वो कहाँ हो सकते हैं। क्या बचके? अगर मूसा को मालूम पड़ा ना तो तू जान से आपको पेटेगा। अब बीच में बोले ना तो तुमको तुम्हारा आवाज कभी सुनाई नहीं आएगा इस जिंदगी में, समझ गए? तुम कंटिन्यू रखो, बताओ। दरअसल हम आपको मूसा भाई के सारे अड्डों का पता दे सकते हैं। और ये सब चूरन हुआ तो? अगर वो उस पते पे मिला ही नहीं तो? तो कम से कम पुलिस मूसा के सारे अड्डों को तो डिस्ट्रॉय कर देगी और पूरे शहर से उसके बैटिंग का बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये का कम झटका होगा मूसा भाई के लिए। बहुत बढ़िया बात है, तो अब हम मूसा के सारे अड्डों पर जाएंगे और रेड मारेंगे और तुम हमारे साथ चलोगे, समझ गए? जीते बंद करो। जी मैडम। बिल्लू निवास में रहना मतलब खतरे से खाली नहीं है। भाई 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 क्या 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 भाई, अपुन को ऐसा फील हो रहा है तो अपनी जान बचाने के चक्कर में यहाँ से कल्टियों ना मंगता है? हाँ तो भाई भाई भाई, अपुन को कोई सेफ जगह ले चलना भाई। भाई बहुत बहुत घबराहट टाइप का फील सा हो रहा है भाई। भाई मैं रह नहीं पाएगा इन क्रिमिनल लोग के बीच में। ओके ओके, ले जाता हूँ। आप रहिए यहाँ पे मेरे बिल्लू निवास में, आप मेरे मेहमान है। इतना बड़ा जोखिम उठा रही हैं, वो भी अकेले। टीम को साथ ले लेंगी तो छोटी नहीं हो जाएंगी। मैडम सर ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ना, मान लेती उनकी बात तो कौन सी आफत आ जाती। नजरिए का फर्क है पुष्पा जी, आप जहाँ से देख रहे हैं ना आपको मैडम सर का ऑफर एक मदद नजर आ रहा है, लेकिन जहाँ से हम देख रहे हैं ना हमको हमारे योग्यता पे एक प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है। पहली बार डीएसपी सर ने हम पे इतना भरोसा जताया, प्राण दे देंगे लेकिन उनका भरोसा कायम रखेंगे। ये केस हमारा है और हम अकेले सॉल्व करेंगे। चलते हैं। मैडम सर, बेचारी जो बोला वो सुना समझ नहीं पाई। हमने तो उसे साफ साफ बोल दिया कि जिस मूसा को वो ढूंढ रही है वो एक छलावा है, हर जगह है, देख सको तो देख लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। नहीं समझ पाए कि जिस मूसा को वो दुनिया भर में ढूंढ रही है वो उसके सामने बैठा है।
नहीं समझे कि तुम ही मूसा हो। बाहर मत आना, बाहर पुलिस है। मुझे पीछे के दरवाजे से भाग गया है। उस दिन अकाउंटेंट अर्जुन बनकर मैंने खुद को तो बचा लिया करिश्मा जी, अब सवाल यह है कि आपको मुझसे कौन बचाएगा? चेताया था, वार्निंग दी थी, समझाया था कि संभल कर, लेकिन नहीं सुना। अब मेरी बारी है। सारे शहर के सामने जलील किया, तमाशा बना के रख दिया लखनऊ के सामने। अब मेरी बारी है करिश्मा जी, मूसा की बारी। अब मैं बताऊंगा कि हद कैसे पार की जाती है। जस्ट वेट एंड वॉच। जल्दी आओ, जल्दी। चलो जय हिंद सर। जय, कहां लेके चल दी इन्हें? सर आपने जो हमें जिम्मा दिया है मूसा को पकड़ने के लिए, बस उसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं। उसका लोकेशन ट्रेस हो गया है, बस उसको अभी धर के लाते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आप तो इन्हें लेकर ऐसे जा रही हैं जैसे सब्जी लेने जा रही हैं। अरे इतना बड़ा क्रिमिनल है, इतना बड़ा ऑपरेशन है, अरे कोई टीम की प्लानिंग होती है कि नहीं कि अकेले चल दिए ऑपरेट करने? सर आप ही नहीं कहा था ना कि ये केस हम अकेले हैंडल करेंगे? अरे अकेले इस केस को कमांड करने के लिए कहा था करिश्मा सिंह, अकेले मौत के मुंह में जाने के लिए नहीं कहा था। अरे कुछ एक्स्ट्रा कवर, कुछ बैकअप, कुछ प्लान बी हैं? ऐसा कुछ ट्रेनिंग में बताया गया था आपको कि बस चल दी अकेले? वैसे आप इस ऑपरेशन में अकेले नहीं जाएंगी, आपके साथ SHO हसीना मलिक जाएंगी। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है सर? पर सर आपने कहा था कि नो आर्ग्यूमेंट, जितना कह रहा हूँ बस उतना ही करिए, समझ गए आप? अरे देख क्या रही पुष्पा जी, ऑर्डर दीजिए ना। हम? अरे नहीं नहीं सर, वैसे ये सुझाव तो बहुत अच्छा है, मगर आपके होते हुए हम कैसे ऑर्डर दे सकते हैं? हम वो वाला ऑर्डर नहीं कह रहे, वो वाला ऑर्डर तो हम दे चुके हैं। अरे खाने पीने का कुछ ऑर्डर दीजिए, भूख लगी है। अभी मंगवाते हैं, आप आइए ना। करिश्मा सिंह संभाल के, हसीना मलिक। जी सर। चलिए। ऑर्डर हुआ इसलिए साथ चल रहे हैं मैडम सर, वरना एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे ये केस अब भी हमारा है और मूसा को हम ही पकड़ेंगे, वो भी अकेले। ये मूसा कोई बुराई का मारा, दुनिया का सताया, मजबूरी में बना क्रिमिनल नहीं है। पेशेवर, खतरनाक, बेरहम क्रिमिनल है ये, जो किसी की जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। यहाँ आपकी जज्बातों की आइडियोलॉजी काम नहीं आएगी, यहाँ पर उसको उसी की भाषा में कोई जवाब देने वाला चाहिए जो हम, और हम देंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं आखिरी बार मैडम सर कि ये केस आप हमें हमारे तरीके से हैंडल करने देंगी तो बहुत अच्छा होगा। ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि कभी भी किसी मिशन या केस को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, वरना हमारे जाती जज्बात उस पर हावी होने लगते हैं। निष्पक्षता से केस को देखना चाहिए, और ये बात आप भूल सकती हैं करिश्मा सिंह, लेकिन हम नहीं। DSP सर के कहने के बाद ये केस अब जितना आपका है उतना ही हमारा भी। हमारा मकसद आपकी मदद करना या फिर आपके रास्ते की रुकावट बनना नहीं है।
हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं और ये काम करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। चलते रहिए मैडम, आप फिकर काहे कर रही हैं? हम हैं ना आपको बताने के लिए आपके गाइड की कहां जाना है। और सड़क का नाम याद नहीं आ रहा है, पर सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। वैसे मैडम प्लीज डोंट माइंड, बहुत देर से एक बात सोच रहा था, अब जब कंफर्म हो गया तो सोच रहा है कि आपको बता दूं। बोलो। देखिए मैडम प्लीज डोंट माइंड, एक तो आप पुलिस ऑफिसर हैं, ऊपर से ड्यूटी पर हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बात बोलना ठीक होगा या नहीं, इसलिए माफी के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि साइड एंगल से जहाँ से हम देख रहे हैं आप बिल्कुल करीना कपूर लगती हैं। हमारी फेवरेट एक्टर, आई एम बिग फैन ऑफ हर। अपनी हद में रहो। संतु हमें ना समझ में ही नहीं आता क्या करें हम। क्या हुआ, इतनी क्यों आप परेशान है पुष्पा जी? ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं दुनिया में? सही बात है पुष्पा जी, कैसे हो सकते हैं ये लोग? नहीं मगर बताओ ना, किसी को बिना पूछे उसकी कोई चीज ऐसे कैसे ले सकते हैं लोग? इसे ही तो चोरी कहते हैं पुष्पा जी। ऐसे लोगों को ना करिश्मा मैडम जो इलाज नहीं करती, लॉकअप में बंद करके लात और घूसों से, ऐसे सीखते हैं वो। डीएसपी सर को भी? मैंने कब कहा डीएसपी सर? अरे अभी तो तुमने कहा ना कि ऐसे लोगों का इलाज करिश्मा मैडम की तरह करना चाहिए। मैं इसकी बात कर रही हूँ, छठी बार ये चोर पकड़ा गया है चोरी करते हुए और कबूल करने से इनकार कर रहा है। हम डीएसपी सर के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने भी चोरी की? हमें जड़ बुद्धि, उन्होंने इकबाल की पूरी बिरयानी खा ली और हम भूखे रह गए। पुष्पा जी आपके पास आपका डब्बा है ना? वो तो बिरयानी से पहले ही खा गए थे स्टार्टर में। देखो फालतू का होशियारी नहीं, अभी तुमको सिर्फ बांध के पूरा लखनऊ घुमाया, वो हमारे भौकाल का टीजर था। अगर अपने पे आ गए ना तो तुम्हें दिखाएंगे अपना भौकाल पूरा। होशियारी दिखा के क्या करेंगे मैडम, बंधे हुए हैं, आपकी कस्टडी में हैं, ना यार है ना हथियार है, अब होशियारी दिखा के हमें मरना है क्या? भरोसा रखिए मैडम, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तुम्हें मारने के लिए मुझे हथियार की जरूरत नहीं, तुम दोनों को तो तुम्हारा पूरा वक्त मारेगा और वो कब का शुरू हो चुका, मरोगी दोनों की दोनों आज ही।